वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संविधा और मैं आर्ट वर्क ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल के ब्लॉग बनाती हूं। आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसमें मैं खोआ का यूज नहीं करूंगी। सो खोआ के बदले में जो चीज का यूज करने वाली हूँ उसको पता करने के लिए आपको मेरा वीडियो आगे तक देखना होगा। और अगर आप सब रेडी है सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग हाफ कप सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे। सूजी के होने के बाद हम लोग सेम पैन में हाफ कप नारियल के बुरादे को ड्राई रोस्ट करेंगे। अब उसी पैन में मैं रिकोटा चीज को पकाऊंगी। ये होल मिल्क रिकोटा चीज है, आप भी यही लें तो ज्यादा अच्छा बनता है। पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाला है और फिर मैं पूरा रिकोटा चीज़ इसमें डाल दूंगी। और रिकोटा चीज़ को हम लोग अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसका पानी पूरा ना सूख जाए। इसमें अच्छा खासा पानी होता है तो हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। मेरा जो रिकोटा चीज़ का पैकेट था वो 900 ग्राम का है। हम लोग का रिकोटा चीज़ हो चुका है तो अब इसमें मैं जो मैंने सूजी भुना था वो ऐड कर दूंगी। हाफ कप सूजी, हाफ कप नारियल का बुरादा और 1 कप शुगर विथ इलायची पाउडर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। फिर इसमें मैं थोड़ा सा खसखस डाल दूंगी, खसखस 2 से 3 चम्मच एंड ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा मसाला रेडी है। अब मैं मैदा का आटा गूंदूंगी जिसमें मैं 1 से 2 चम्मच ऑयल डालूंगी और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके पानी से मैं इसका आटा गूंद लूंगी सॉफ्ट। मैंने मीडियम साइज लोई लिया है और उसको पतला बेल रही हूँ। मेरे पास गुजिया बनाने का साचा है तो मैं ये जो बेली हूँ इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगी। और जो हमने गुजिया का मसाला बनाया था वो करीबन 1.5 से 2 स्पून में इसके अंदर फिल कर दूंगी और गुजिया को अच्छे से सील करने के लिए हम लोग पानी लगा देंगे चारों तरफ से। और फिर उसको इस तरीके से बंद करके जो एक्स्ट्रा आटा बाहर निकला हुआ है उसको हम लोग काट के अलग कर देंगे और हमारा गुजिया रेडी है। पूरा गुजिया बनाने के बाद हम गुजिया को डीप फ्राई करेंगे। जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। गुजिया रेडी है। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।